अब नहीं चलेगी आपकी पुरानी चेकबुक। बैंक ने जारी किए नए नियम। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट किया है। पीएनबी ने कहा है कि इन दोनों बैंकों के खाता धारकों के पास अगर पुरानी चेकबुक है तो अगले महीने से वो किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए तुरंत नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर दें। पीएनबी ने ग्राहकों को किया अलर्ट। पीएनबी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है, जिसमें बैंक ने लिखा है कि ईओबीसी और ईयूएनआई की पुरानी चेकबुक 1/10/2021 से बंद होने जा रही है। कृपया ईओबीसी और ईयूएनआई की अपनी पुरानी चेकबुक को पीएनबी की अपडेटेड आईएफएससी और एमआईसीआर वाली चेकबुक के साथ बदल दें। आपको बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। अगर आपका बैंक अकाउंट भी इन दोनों बैंकों में रहा है तो आपको नए चेकबुक के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। आप नई चेकबुक को पीएनबी की ब्रांच जाकर ले सकते हैं। अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम जाकर आप चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी वन ऐप के जरिए भी आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। कॉल सेंटर में फोन करके भी आप चेकबुक के लिए बोल सकते हैं। 1 अक्टूबर से नई चेकबुक ही चलेगी। पीएनबी बैंक के सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि किसी भी लेनदेन संबंधी असुविधा से बचने के लिए अपडेटेड पीएनबी आईएफएससी और एमआईसीआर के साथ नई पीएनबी चेकबुक का इस्तेमाल करें। 31 दिसंबर तक है मौका। पंजाब नेशनल बैंक ने 8.95% की दर पर पर्सनल लोन ऑफर किया है। पीएनबी का कहना है कि उसका पर्सनल लोन इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। पीएनबी होम लोन 6.8% की आकर्षक ब्याज दरों पर ऑफर कर रहा है, जबकि कार लोन 7.15% पर दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने इसे फेस्टिवल बोनांजा ऑफर का नाम दिया है। इसके अलावा बैंक ने होम लोन पर टॉप अप को भी आकर्षक बना दिया है, इस पर ब्याज की दरें कम होगी। इन सभी ऑफर्स का फायदा 31 दिसंबर 2021 तक उठाया जा सकता है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।